गढ़शंकर दे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दी ग्राउंड विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह फुटबॉल क्लब वालों प्रवासी भारतीयों के सहयोग नाल 25 नवंबर तो 29 नवंबर तक चलण वाले 13वें फुटबॉल टूर्नामेंट अते अथलैटिक मीट की शुरुआत पूरी शानो शौकत नाल कीती गई। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख मेहमान के तौर पर पहुँचे SDM गढ़शंकर प्रतिंदर सिंह बैंस वालों खिडारियों नाल जान पहचान करन उपरंत किया गया, जिन्हां अपने संबोधन विच क्लब दे इस उपराले की शलाघा करते हुए नौजवानों नूं वध तो वध खेडां विच हिस्सा लैके अपना अते अपने देश का नाम रोशन करन दी गल आखी। इस मौके जिथे क्लब वालों आए हुए मेहमानों नूं सन्मान चिन्ह दे के सन्मानित किया गया, उत्थे ही क्लब प्रधान एडवोकेट जसवीर सिंह राय ने दसिया कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट विच 16 टीमां भाग लै रही हैं ते इस दे आखिरी दिन पंजाब अते हरियाणा दियां लड़कियां दा कबड्डी मैच करवाया जाएगा, जबकि इस तो इलावा अथलैटिक मीट रस्साकशी अते गोला सुट्टन दे मुकाबले भी करवाए जाएंगे। उन्हां समूह खेड प्रेमियों नूं वध तो वध इस टूर्नामेंट विच शामिल हो के खिडारियों की हौसला अफजाई करन दी अपील कीती। इस मौके ते बहुत ही अज पवित्र दिहाड़ा कह सकते हैं, क्योंकि जेकर आपां इस एरिए दे विच इस रीजन नूं नशियां तो बाहर कढ़ना हैगा ते बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आ। ते कई सालों तो जिहड़े हैगे आ जिहड़ा हैगा क्लब शहीद भगत सिंह क्लब वल्लों इनिशिएटिव लिया जा रहा, ते इहदे नाल जिहड़ी अपनी जिहड़ी प्रीति वध रही आ नशियां वाली उहनूं ठल पाई जा सकदी आ, दूसरा भाईचारा बणिया रहिंदा, तीसरी एक्सरसाइज हो जांदी आ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਸਵੀਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। 13ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ इलाके के SP साहब गुरदास प्रतिंदर सिंह बैंस साहब ने किया है। मैं इलाका निवासियों को भी बेनती करता हाँ कि जो मैं एक डिप्टी नोट तुहानू करा रहा है जरूर देखो, ये टूरनामेंट जे आप कहीए बेशक ये शहीद देवन साहब भगत सिंह फुटबॉल क्लब के सीनियर रिटायर्ड वेलफेयर ऑफिसर जिहड़े आर्मी वाले ने साडे करा रहे हैं, पर इहदे विच साडा इलाके का टूरनामेंट है, ये किसी कले का टूरनामेंट नहीं है। ये टूरनामेंट शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाते है, तो आप समझिए भी भगत सिंह का साडा सारे सांझा है। जे आप समझिए भी असी करा रहे हैं नहीं, जे तुसी भी साडे नाल रहोगे तो तुहाडा ये टूरनामेंट बहुत बुलंदियों तक चले जाएगा। इस टीम के मैं थोड़े ना यह गल साझी करना चाहता कि 29 तरीक तक ये टूरनामेंट चलना हैगा, 5 दिन वास्ते है। अखीरले दिन बहुत बड़े मुकाबले होने ने, इंटर स्टेट मुकाबले होने ने, जो दूजिया स्टेट्स हो भी बच्चे साढ़े आ रहे हैं उन्होंने जो सा ईवेंट्स आने नोट करना प्लीज, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 800 ते 1500 फॉर बॉयज एंड गर्ल, दैट्स फॉर ओनली 25 सेम ईवेंट्स है, सेम 100 200 800 तक 1500 तक ये अंडर 18 वास्ते हैगी। ये नाल ही असी जो पंजाब की पहली खेड होंगी सी कबड्डी के नाल रस्सा होंगी सी, जो आम करके पिंड रस्सा खिंचते होंगे सी अपनी ताकत अजमाई करने वास्ते, वो असी इलाके में वो भी कायम करनी है। वो असी ये शहीद भगत सिंह फुटबॉल क्लब ने जो उपराला किया है इस तरह थोड़ा सहयोग बने रहे थे बुलंदियों तक, इस तरह करके जो टग ऑफ वार है जो इंटर स्टेट मुकाबले ने ये माण की है, खुशी की भी गल है, माण की भी गढ़शंकर वास्ते है कि जिते लोग कला फुटबॉल का टूरनामेंट कराते अथलैट्स के मुकाबले कोई नहीं करवा। ये असी लगातार हूँ तो नहीं 13 साल में तहत 13वां साल है जब तो साढ़े इंटरस्टेट के मुकाबले ये असी शुरू कराए ने, उन्होंने बच्चों प्राइज जोड़े है कैश दिते जाते हैं, उस तो अलावा सर्टिफिकेट देने उ इंटरस्टेट मुकाबलों का जो सर्टिफिकेट है बच्चे ले लेंगे तो उन्होंने जॉब वास्ते उन्होंने 5% 5 नंबर मिल जाते हैं। इस करके जिन्होंने आर्मी में जाना है जिन्होंने पुलिस में जाना है तो उही साडा सर्टिफिकेट जिहड़ा उन्होंने काम आता है। सो उधर 28 तरीक नूं दिने 1 बजे पंजाब का हरियाणा का लड़कियां का प्लीज जो पंजाबी जो स्टाइल हैगा वो कबड्डी के मैच भी उधर भी चलने हैं।